शुक्रवार और पांच ग्रहों के शुभ योगों में पड़ रही अक्षय तृतीया, ये रहेगा लक्ष्मी पूजन और खरीदारी का शुभ मुहूर्त। इस दिन खरीदने गए सोने में दिन दुगनी रात चौगुनी होगी वृद्धि। 10 मई को कर लें ये काम, देवी लक्ष्मी होंगी प्रसन्न। नमस्कार दोस्तों, अक्षय तृतीया वो शुभ दिन है जिससे सुख सौभाग्य और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। कहते हैं कि अक्षय तृतीया पर खरीदे गए सोने चांदी में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि होती है। इस बार ये पर्व 10 मई दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। बता दें कि इस साल की अक्षय तृतीया कई शुभ महायोगों में आ रही है। ये शुभ संयोग इस पवित्र दिन के महत्व को और अधिक बढ़ा रहे हैं। तो आइए बताते हैं अक्षय तृतीया पर पूजा का शुभ मुहूर्त, खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन बनने वाले शुभ संयोग के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं अक्षय तृतीया की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार तृतीया तिथि का आरंभ 10 मई को प्रातःकाल 4:17 पर होगा और इसका समापन अगले दिन 11 मई को प्रातःकाल 2:50 पर होगा। ऐसे में 10 मई दिन शुक्रवार को अक्षय तृतीया मान्य होगी। शुक्रवार पड़ने के कारण ये दिन और भी खास हो गया है। बता दें कि इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 5:33 से लेकर दोपहर 12:18 तक रहेगा। और बता दें कि वैसे तो आप पूरे दिन में किसी भी समय खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन सुबह 8:56 से लेकर 10:37 तक और दोपहर 12:18 से लेकर 10:59 तक खरीदारी का सबसे उत्तम मुहूर्त है। इस मुहूर्त में की गई खरीदारी आपको शुभ फल प्रदान करेगी। आगे आपको बता दें कि इस साल अक्षय तृतीया पर ग्रहों का बेहद ही शुभ संयोग बन रहा है। बता दें कि इस दिन शश योग, मालव्य योग, धन योग और चंद्रमा व बृहस्पति की युति से गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। इतना ही नहीं, इस दिन रवि योग और सुकर्मा योग का भी शुभ संयोग बन रहा है। वहीं इस दिन सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में होंगे और चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृष राशि में बेहद शुभ फलदायी स्थिति में होंगे। इसके साथ इस दिन रोहिणी नक्षत्र भी रहेगा। मान्यता है कि अगर अक्षय तृतीया के दिन रोहिणी नक्षत्र हो तो इस दिन का महत्व 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इस नक्षत्र के स्वामी भौतिक सुखों के दाता शुक्र ग्रह हैं। इसलिए रोहिणी नक्षत्र में किसी भी तरह का कार्य करना आपके लिए शुभ फलदायक साबित होता है। ऐसे में इस दिन न सिर्फ योग बल्कि नक्षत्र भी प्रभावशाली बन रहे हैं। ज्योतिष की माने तो ग्रहों का इस प्रकार से अनुकूल स्थिति में होना और शुभ योगों का इस दिन निर्माण होना एक दुर्लभ संयोग के तौर पर माना जा रहा है। ये संयोग बहुत ही लाभकारी और मंगलकारी फल देने वाला है। अक्षय तृतीया को सर्वसिद्ध मुहूर्त माना गया है। इस तिथि में गृह प्रवेश, विवाह, नामकरण, घर, गाड़ी और गहनों की खरीदारी करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। बताते चलें कि ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। तो दोस्तों, आप भी अक्षय तृतीया के दिन इस शुभ मुहूर्त में ये सब कार्य जरूर करें ताकि आपके जीवन में कभी किसी चीज की कमी न रहे। कुंडली टीवी डेस्क से तानिया की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।